प्रोबेबिलिटी क्या करता है, किसी चीज के होने के चांसेस को कैलकुलेट करता है, राइट। वो एक्चुअली में होगा या नहीं होगा वो कुछ नहीं पता, बट हाँ उस चीज के होने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या परसेंटेज है आउट ऑफ 100 की वो चीज हो सकती है, राइट। उस चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अभी तक जितनी भी चीजें तुमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ी है, राइट, उनके अंदर से मेन चीज तो तुम्हारी यही है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केस। डेफिनेशन ये, डेफिनेशन ही चेंज हो, ठीक है ना। तुमने 9th में भी यही देखा, 10th में भी यही देखा, 11th में भी यूज यही किया, बट हाँ कुछ एक आधा चीज था जो नहीं थी, वो था सी को यूज करते हुए, चूज जो करने का तरीका था वो तुम्हारा बदल गया, बाकी कुछ बदला नहीं, बाकी सेम था, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट्स इट, बाकी सारी की सारी चीज सेम थी, राइट। अभी सारी की सारी चीज नए टॉपिक से नया है, ठीक है, बट चीज की शुरुआत करने के लिए वी नीड दी बेसिक डेफिनेशन, तो स्टार्टिंग में हम जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है उनको लिखेंगे, उनको समझेंगे क्या चीज, ठीक है ना, उनको दोबारा देखेंगे, उनको समझेंगे, नई चीजें आएंगी, कुछ पुरानी चीजें आएंगी, तो डेफिनेशन को खत्म करके फिर हम फर्स्ट टॉपिक जो होगा अपना प्रोबेबिलिटी का उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक चीज के होने की कंडीशन निकालनी है, बट अंडर द गिवन कंडीशन, कि अगर ये है तो इसके होने के क्या चांसेस, जहां से हम टॉपिक को स्टार्ट करें, यहां से प्रोबेबिलिटी को हम स्टार्ट करें, अंडर द गिवन कंडीशन, राइट, हम किसी चीज के होने के चांसेस को निकालें, ठीक है ना। कि जैसे मान लो वो बोला कि दो डाई को रोल किया, ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट कि पहले वाले डाई पे ओड आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरे वाले डाई पे इवन आया होगा, पॉइंट समझ। अंडर द गिवन कंडीशन अब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल, उसका पूरा मेथड देखेंगे, पूरा फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरुआत होगी बात, राइट। फिर उसके अगला टॉपिक इसी का उल्टा होता है, इसी इसी के फॉर्मूला को यूज करके बनता है हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, देन आता है इंडिपेंडेंट थ्योरम, देन आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एंड देन आएगा हमारा बेस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे बेसिक प्रोबेबिलिटी हमारी खत्म है, फिर इसके अलावा एक टॉपिक है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म होगा, ठीक है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस इज गेम, यहाँ पे खत्म होगा हमारा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी डेफिनेशन, ठीक है। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट इट्स एन एक्सपेरिमेंट, इट्स एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, दैट्स इट। फिर उसके आगे लिख सकते हो दिस इज डन, दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, वो ऑप्शनल है, वो तुम लिख सकते हो। तो बेसिकली जैसे डाई है, पकड़ के रोल किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, अंडर द सेम कंडीशन तुम उस चीज को करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, बट हाँ डाई का आउटपुट जो है वो हर बार क्या आएगा, डिफरेंट। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बैग है, तो उसके अंदर 10 मार्कर तुमने ब्लू वाले डाल दिए, 5 तुमने रेड वाले डाल दिए, 5 तुमने ग्रीन वाले डाल दिए, अब रेंडमली एक उठा रहे हो, हर बार अलग आएगा, हर बार अलग आएगा, हर बार अलग आया, सेम भी आ सकता है, बट पॉइंट ये है कि क्या आएगा, अगेन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। या फिर 20 कलर के डाल दिए,
तो दिस इज रैंडम है, ये नहीं कि ढाई पे अलग भी आएगा, ढाई पे सेम भी आ सकता है, राइट। आगे एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट अब एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, उसका जो इंडिविजुअल आउटकम आता है, उस इंडिविजुअल आउटकम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, एक सबसे छोटी चीज जो हो सकती है एक एक्सपेरिमेंट को करने पे। अब यार जो सिंगल आउटकम होगा इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा छोटी चीज और कुछ नहीं हो सकती जब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ईच इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। याद रखना, एलिमेंट्री इवेंट, इवेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं, इवेंट कुछ और होगा, मैं एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहा हूं, राइट। तो ईच इंडिविजुअल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। देखो जरा इफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, इफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स The set of all possible outcomes is called sample space. मतलब जितने भी outcomes आ सकते हैं उन सारे के सारे outcomes का हमने क्या किया, एक set बना लिया, उस set को हम क्या बोलते हैं, sample space. तो basically individual outcome को हम क्या बोल रहे थे, elementary event. तो जितने भी elementary event possible है उन सबको collect कर लिया, right? उस set को हमने क्या बोला, sample space. बात करते हैं, clear हुआ, sure, next. इवेंट, इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इज कॉल्ड एन इवेंट अब देखो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, सबसे छोटा सबसेट जो पॉसिबल है। अब मान लो मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 या फिर हेड या टेल, तो कॉइन को टॉस करके जो जो आउटकम आ सकता है उसका हमने सेट बना दिया, डाई को रोल करके जो जो आउटकम आ सकता है उसका हमने सेट बना दिया, राइट। अब इसके अंदर एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, हेड, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, हेड टेल आदि एलिमेंट्री इवेंट, यहां पे 1 2 3 4 5 6 इंडिविजुअल एलिमेंट्स आदि एलिमेंट्री इवेंट। अब मैं अगर इवेंट की बात करूं, इवन नंबर, वो एक इवेंट है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये एक इवेंट हो गया। अब जब मैंने एक इवेंट को डिफाइन किया तो इवेंट कैसे डिफाइन हो रहा है, एट द एंड इसका एक सबसेट, वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो सिंगल है, दो है, तीन है, चार एलिमेंट का कलेक्शन है, वो छह के छह है, सारे के सारे है, इससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट जो भी होगा वो होगा इसी का सबसेट। बात करते हैं, अगर सिंगल एलिमेंट आ गया तो एलिमेंट्री इवेंट का बेसिकली
एलिमेंट्री इवेंट इवेंट बन जाएगा, राइट right? जैसे मल्टीपल ऑफ सिक्स भैया एक ही है, छह वो इवेंट भी है वो एलिमेंट्री इवेंट भी है, ये समझ में आया राइट बट जरूरी नहीं एक ही एलिमेंट हो, हर बार दो भी हो सकते हैं, ठीक है मल्टीपल ऑफ थ्री, अब दो आ गए थ्री एंड सिक्स, अब वो एलिमेंट्री इवेंट्स का कलेक्शन बेसिकली हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इवेंट क्या होता है, वो जरूरी नहीं कि सिंगल सिंगल एलिमेंट ही होगा, उनका कलेक्शन उनका सबसेट राइट right? पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स बन सकते हो सारे के सारे इवेंट्स बन सकते हैं, बात करते हैं इससे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं इवेंट, बात करते हैं क्लियर हुआ ये चीज। इसलिए हमने क्या बोल दिया इधर कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, ये जो पूरी की पूरी कलेक्शन है, इस पूरी कलेक्शन का जो जिसको हम सैंपल स्पेस बोल रहे हैं इसका जो सबसेट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं इवेंट, बात करते हैं दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड एलिमेंट्री इवेंट, क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट occurrence of an event। तो यार देखो अब हमने इवेंट को डिफाइन कर लिया, सबसेट है, जैसे इसके अंदर प्राइम नंबर डिफाइन कर लिया, क्या आ रहे हैं टू थ्री फाइव, मैंने प्राइम नंबर डिफाइन कर लिया। अब ये प्राइम नंबर वाला जो इवेंट है ये ऐसे मेक श्योर करेंगे कि ये हो रहा है या ये कब होगा, जब इनमें से ही कोई एलिमेंट जो है वो आउटकम आया। अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करने के बाद जो एलिमेंट आया जो आउटकम आया अगर वो इसमें से हुआ, किसमें से इवेंट के अंदर से हुआ, इवेंट को बिलोंग कर रहा हुआ, जिस इवेंट के डिफाइन होने की हम बात करें, आकर करने की बात करें, अगर वो आउटकम उस इवेंट को बिलोंग करता हुआ हुआ तो वो इवेंट हुआ है, अदरवाइज वो इवेंट नहीं है, बात खत्म। तो एक इवेंट कब अकर करेगा, जो एक्चुअल आउटकम है अगर वो उस इवेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो इवेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो इवेंट नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है चलो देखो इसके अंदर एन इवेंट इज सेट टू अकर, an event is said to occur if any one of the elementary event, if any one of the elementary events, if any one of the elementary event belonging to it is an outcome. ठीक है, तो जैसे मैंने प्राइम नंबर को डिफाइन किया तो प्राइम नंबर में से टू थ्री एंड फाइव आ गया, अब टू थ्री फाइव में से अगर कोई एक एलिमेंट एक्चुअल आउटकम आ गया तो ये वाला इवेंट हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ श्योर, ये भी तक बिल्कुल बेसिक पार्ट ही चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट नहीं आया और कोई नई डेफिनेशन नहीं आएगी। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन के बाद इसको समझते हैं क्या। ठीक है, टू और मोर इवेंट्स, आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू और मोर इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if the occurrence of any one of them, if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others. Prevents the occurrence of all others. That is, if not two or more of them
no two or more of them can occur simultaneously. That is, if no two or more of them can occur simultaneously, in the same trial. क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है समझो। बेसिकली मान लो इसके अंदर से मैंने दो इवेंट्स को डिफाइन किया, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ठीक है, लिख लेते हैं। ऑड नंबर का हमने बनाया 1, 3, 5 एंड इवन नंबर का हमने बनाया 2, 4, 6। अब ये सोचो कि क्या ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, मतलब इकट्ठे हो सकते हैं? अच्छा मान लो मैंने एक प्राइम नंबर का भी डिफाइन किया 2, 3, 5, मान लो आउटकम 2 आया तो ये दोनों साथ में होंगे, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 2 एलिमेंट जो आउटकम आ रहा है वो जिस जिस इवेंट को बिलोंग करता है वो इवेंट एक्चुअली में अकर करेगा। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट? वो जो 2 आउटकम आया, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट का डेफिनेशन ही यही थी ना कि आउटकम जिस जिस को बिलोंग करेगा इवेंट को वो इवेंट हो जाएगा, राइट? तो आउटकम अगर 2 आया तो भैया इवेंट इवन नंबर वाला भी इवेंट हुआ, प्राइम नंबर वाला भी इवेंट हुआ, क्योंकि 2 दोनों को बिलोंग कर रहा है, राइट? अब क्या कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है या ऐसा आउटकम पॉसिबल है जो आए और ये दोनों के दोनों इवेंट हो जाए? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि या तो ओड आएगा, या तो ओड आया तो पहले वाला होगा, दूसरा वाला नहीं हो सकता। इवन आया तो दूसरे वाला होगा, पहले वाला नहीं हो सकता यार। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी तो। अभी क्लियर हुआ ये चीज? पक्का? तो ये दोनों में से एट ए टाइम एक ही हो सकता है, एक से साथ, मतलब दोनों साथ में नहीं हो सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट? ये चीज यहाँ पे बोल रहा है। क्या बोला इसने डेफिनेशन में? ठीक है, कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इफ अक्रेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अक्रेंस ऑफ ऑल अदर। अब ध्यान से सोचो कि अगर ओड आया तो क्या इवन आ सकता है? नहीं, तो इवन अकर ही नहीं कर सकता, और अगर इवन आया तो ओड नहीं अकर कर सकता। तो अगर ऐसा हुआ कि एक के होने से बाकी और कोई नहीं हो सकता तो वो क्या होंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। और उसी को अलग तरीके से अभी हमने प्रेजेंट किया, और क्या लिखा हमने? No two or more of them can occur simultaneously. मतलब वो वाले जो बेसिकली इवेंट्स है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, उसका मतलब क्या है? इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, इसी के हेडिंग के साथ लिख दो डिसजॉइंट इवेंट्स, मोर ऑफ देम। मतलब 3 भी ऐसे इवेंट हो सकते हैं ना। मान लो मैंने इसका 6 हटा दिया एंड एक अलग से ए सेट बनाया जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट 6 प्रेजेंट है, वही वाला। अब सोचो जो तीनों के तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए, वो तो तीसरा मैंने इसीलिए दिखाया था कि हाँ ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। मैंने इसलिए तीसरा लिखा था, पिछली बार जो प्राइम नंबर वाला लिखा था इसलिए लिखा था, वही दिखाने के लिए कि हाँ ये नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं। बट अब ये तीनों के तीनों, अब ये तीनों के तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, और डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इनको डिसजॉइंट भी बोलते हैं। अब एक्चुअली में ध्यान से देखो जरा इधर, वेन डायग्राम के थ्रू इनको देखना बड़ा इजी है। ठीक है, क्या कि इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, बस बात खत्म। जैसे ये है, मान लो इंटरसेक्शन है, मान लो 2 एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन में आ रहा है, मतलब वो पहले सबसेट में भी आ रहा है, दूसरे सबसेट में भी आ रहा है, पहले इवेंट में भी आ रहा है, दूसरे इवेंट में भी आ रहा है। मान लो ये चीज है, मान लो ये चीज है। फिर तो बोलो कि मेरा थोड़ा कनेक्शन हट गया सीधा। हाँ जी, जरा फिर तो दस दो वेन डायग्राम जो बनाया मेरा थोड़ा कनेक्शन। हाँ, मैं वेन डायग्राम अभी जस्ट बनाई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई। मैंने ये बोला कि मान लो एलिमेंट 2 जो है वो कॉमन पार्ट में आ रहा है, मतलब कॉमन पार्ट में आने का मतलब क्या है? वो पहले सबसेट में भी आएगा, दूसरे सबसेट में भी आएगा, मतलब वो पहले इवेंट में भी आएगा, वो दूसरे इवेंट में भी आएगा।
अब इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में अगर एलिमेंट टू आया आउटकम, तो इसका मतलब यह कि पहला वाला इवेंट भी हो जाएगा, दूसरा वाला भी हो जाएगा। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, दोनों साथ में नहीं, कभी नहीं होने चाहिए, तभी जाके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे। तो भैया ये वाले दो एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट्स हैं, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन है, और अगर वो कॉमन वाला एलिमेंट आउटपुट आया तो वो दोनों के दोनों इवेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले को भी बिलोंग करता है, दूसरे को भी बिलोंग करता है। बट यहाँ पे देखो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन है ही नहीं। अगर इंटरसेक्शन है नहीं, तो कोई भी एलिमेंट अगर आउटपुट आउटकम आएगा, आउटपुट में आएगा, राइट, तो ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियस नेक्ट करने का सकते, या तो ये करेगा या तो ये करेगा, ये समझे। तो डिसजॉइंट जो इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, वो वेन डायग्राम के थ्रू अगर मैं बनाऊंगा तो उनके अंदर बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन नहीं होता। अगर इंटरसेक्शन हुआ तो वो डिसजॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो कॉमन वाला एलिमेंट आउटपुट आया तो भैया वो दोनों के दोनों जो इवेंट है वो अकर कर जाए। बात समझ में आई? कहाँ जा रहे हो? क्यों थर्ड कंडीशन चाहिए? अगेन आप बात नहीं समझ रहे। प्राइम नंबर जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था तीसरा सेट लेके, कि प्राइम नंबर और इवन नंबर डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन आ रहा है। प्राइम नंबर ऑड नंबर डिसजॉइंट नहीं है, कॉमन आ रहा है। बट ऑड एंड इवन की मैं बात करूं, वो आपस में कॉमन नहीं होगा, वो डिसजॉइंट है। तो मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा ना, अब मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा उसको एक्सपेरिमेंट में। वो तो मेरे हाथ में है ना कि एक्सपेरिमेंट में किसको डिफाइन करना है किसको नहीं करना। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना अभी, मैंने इस एग्जांपल में प्राइम नंबर को डिफाइन ही नहीं किया, बात खत्म। ऐसे तो बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट इवेंट होंगे जिनमें नंबर टू आएगा, उनके साथ ये वाला जो इवेंट है वो डिसजॉइंट नहीं होगा, बात खत्म, फिर भी कॉमन आएगा। लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के अंदर तो कॉमन नहीं है ना, तो ये दोनों तो डिसजॉइंट हो गए ना, बात खत्म। बाकी सबके साथ होगा या नहीं होगा क्या लेना देना, ये दोनों नहीं है, बस बात खत्म। इसको समझो, हम इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं इसके जितने सबसेट पॉसिबल है मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ पर्टिकुलर सबसेट, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये नहीं मैं कर रहा भैया इसके जितने सब इवेंट्स पॉसिबल है, जितने सबसेट पॉसिबल है वो, मैं उन सबकी नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ, कि इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ये तीन आ गए ना, अब ये तीन आ गए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में ना तीनों के अंदर। क्लियर हुआ? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्लियर हो, ये काफी आगे जाके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में काफी एक्सटेंसिवली यूज होगा, और इसको इसी के बेसिस पे हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बिल्ड होगी, याद रखना। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना इस डेफिनेशन को क्या है। अगला, एग्जॉस्टिव इवेंट, डिसजॉइंट उसी की डेफिनेशन थी, मतलब उसका ऑल्टरनेट नाम था। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ही डिसजॉइंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स आ गए ना, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, उसे इन सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, राइट। तो इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो एलिमेंट्स होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली वो जो सेट होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए उनको डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं, समझे। डिसजॉइंट अलग नाम नहीं है, उसी का नाम है, बट जनरली म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वर्ड यूज होता है। ठीक है, अच्छा अगला, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस, देखो एग्जॉस्टिव का मतलब बस यही है कि इन इवेंट्स ने मिलके पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट्स, ये जो इवेंट्स हैं, ये क्या है, एग्जॉस्टिव। नहीं, जरूरी नहीं है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, इंटर कॉमन हो भी सकता है, दोनों डेफिनेशन अलग अलग है। अब एग्जॉस्टिव में क्या बोल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन है उनका यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। अब जैसे देखो जरा, उसने नहीं बोला कि कुछ कॉमन हो चाहे ना हो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता,
अब जैसे ये तीन है राइट, इनका यूनियन करोगे क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 आगे सारे के सारे। अब वो पता लगे कि इनमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो ये भैया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव। अच्छा अब अगर मैंने ए के साथ 6 4 2 5 डाल दिया, अब इनका यूनियन सैंपल स्पेस तो है ही है, बट अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बट एग्जॉस्टिव जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों साथ में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट दोनों अलग अलग चीज है, कहने का मतलब अलग अलग चीज है। बट यहाँ पे इसका मतलब समझो एग्जॉस्टिव का, कि अगर गिवन एलिमेंट्स का यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव बात करें राइट। हाँ जो अभी हमने एग्जाम्पल दी, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव बात करें, क्लियर हुआ। ये एग्जॉस्टिव के साथ लिख लो, एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, पहले डिफाइन कर लो एक्सपेरिमेंट क्या है जिसके ये सब सेट उठा रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, उसके अंदर ये तीन इवेंट्स को हमने डिफाइन किया, ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हैं एग्जॉस्टिव भी। जी डन चलें। अब यार दो छोटी छोटी डेफिनेशन है और वो मैं लिखवा नहीं रहा, क्योंकि वो 9, 10, 11 में तुमने पढ़ी है, फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस का टोटल केसेस वो पता है ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या होगा, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यही था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये पता है ना सब राइट। अब डायरेक्टली अगले टॉपिक पे आते हैं, आप ये बेसिक डेफिनेशन थी, आगे लिखे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहला टॉपिक हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या वो क्वेश्चन उनका अभी कोई लेना देना नहीं है, अगर आएगा तो मैं करा दूंगा, पास हो गया कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे ना, इधर 12th वाला अभी पहले पोर्शन देखेंगे सिलेबस लेवल का, पास हो गया। हाँ इधर वो चीज आएगी तो मैं करा दूंगा, कोई 9th की चीज है जो दिक्कत क्रिएट कर रही है अभी, 8th की 9th की 7th की है तो वो बोलो पहले, है ना पहले वो करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब देखो अगेन वही चीज है जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द गिवन कंडीशन। अंडर द गिवन कंडीशन मतलब कि मान लो इवेंट ए हो चुका है तो इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या इवेंट बी हो चुका है इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अंडर द गिवन इवेंट, अंडर द गिवन कंडीशन की एक पर्टिकुलर इवेंट ऑलरेडी हो चुका है राइट, तो दूसरे इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे P ऑफ A बाई B या फिर P ऑफ A स्लैश B, ऐसे इस चीज को रीड ऐसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैव ऑलरेडी हैपेंड या गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B या प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैव ऑलरेडी, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। डिवाइड वाला जो सिंबल है या स्लैश वाला जो सिंबल है इसको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी में रीड किया जाता है राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है पहले फॉर्मूला समझ लो क्या है, कहां से आया कैसे आया, ठीक है प्लीज ध्यान से इधर
तो पी ऑफ ए गिवन बी जो है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है बट इसको समझो हुआ क्या। अगर मैंने दो सेट को इन जनरल बनाया वेन डायग्राम में तो टोटल वो चार हिस्सों में डिवाइड करेगा पूरे के पूरे सर्कल्स को, जो सिर्फ ए में आ रहा है ये वाला, जो ए एंड बी दोनों में आ रहा है बीच वाला, जो सिर्फ बी में आ रहा है। अब ए में क्या आ रहा है, वो आ रहा है ये दोनों को मिला के, ये हो गया सिर्फ ए में आने वाला, ये ए का पोर्शन जो सिर्फ ए में आ रहा है, ये वो ए का पोर्शन जो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। तो ए को कौन बिलोंग करता है, ये दोनों, सिर्फ ए को कौन बिलोंग करता है वन, ऐसे सिर्फ बी को कौन बिलोंग करता है, बी को कौन बिलोंग करता है टू, टू एन, एंड ये फोर्थ वाला पोर्शन आ गया जो ना ए को बिलोंग करता है ना नाइदर ए नॉर बी, ये समझे पक्का। अब ये सोचो कि इसको रीड कैसे किया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो बी ऑलरेडी हो चुका है, अब बी हो चुका है मतलब ये वाली जो चीज है ये हो चुकी है। अब यार जो चीज हो चुकी है आउटकम तो उसी में से आ सकता है, आउटकम उसके बाहर से नहीं आ सकता, हाँ या ना, आउटकम जो आएगा अब वो बी में से ही आ सकता है क्योंकि वो हो चुका है। तो ये जो चीज है ये हमारा नया सैंपल स्पेस बन जाता है, अब बड़ा वाला सैंपल स्पेस नहीं क्योंकि आउटकम देखो अब ये वाले पोर्शन में से तो आउटकम आ ही नहीं सकता, ये तो श्योर है। तो ये जो चीज है ये हमारे लिए टोटल केसेस बन जाते हैं, ये समझे। अब इसमें से हमें किसके होने के चांसेस ढूंढने हैं, ए के, तो इसमें से ए आ कहां रहा है, वो तो ये भी आ रहा है, हाँ यार। तो बेसिकली इस चीज का आंसर क्या आएगा, फेवरेबल केसेस, वो क्या है टू वाले केसेस, और टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी, टू क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो ऊपर आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ केसेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या है बी के, और बी के एलिमेंट्स ये सारे के सारे, दैट इज एन ऑफ बी। यहां तक कोई डाउट अभी तक, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमने काउंट किया है मतलब रिप्रेजेंट किया है, इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया। अब इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से कार्डिनलिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by cardinality of sample space divided by n of a intersection b divided by cardinality of sample space, तो ये बन जाएगा probability of a intersection b divided by ये b था ना, ये b था बिल्कुल, तो probability of b, yeah, ठीक है। अगेन पहले ये समझो क्या है, अब जो आउटकम आ सकता है वो किसमें से आ सकता है b में से, क्योंकि b ऑलरेडी हो चुका है, तो टोटल केसेस जो होंगे वो हमारे लिए क्या एक्ट करेंगे अभी B, क्योंकि B के बाहर से कुछ नहीं आ सकता गिवन अ क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो ये हमारा जो मेन यहाँ पे पॉइंट है वो यही है कि B के होने के बाद A के होने के चांसेस बताओ क्या। तो B अगर हो चुका है, इसको समझने की कोशिश करो, B हो चुका है तो जो आउटकम आएगा वो B में से आ सकता है, B के बाहर से नहीं आ सकता, B हो चुका है, अरे सोचो B हो चुका है, वन होगी ना प्रोबेबिलिटी। अरे अगर एक चीज उसने बोला है, अब सोचो ढाई को रोल किया, उसने बोला है आउटकम टू इवन आया, तो एक्चुअल जो आउटकम आया होगा वो 2, 4, 6 में से आएगा ना, उसके बाद से तो आ ही नहीं सकता। मैं उसी एक ट्रायल की मैं बात करूं, मैं उसी ट्रायल की बात करूं, बार बार नहीं करता जा रहा ना, उसी ट्रायल की बात करूं। एक एक्सपेरिमेंट हमने डिफाइन किया, उसके अंदर हमने बोला एक इवेंट है ऑड नंबर का, एक इवेंट है इवन नंबर का, एक इवेंट है प्राइम नंबर का। अब मैंने बोला कि जो मैंने रोल किया और मैंने ऑब्जर्व किया एग्जैक्टली क्या है वो नहीं मैंने बताया, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया जो इवन नंबर ही आया है एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, इवन नंबर आया, अब क्या चांसेस है ऑड के आने के, भैया जीरो, ऑड आ ही नहीं सकता क्योंकि आया ही इवन है,
ऐसा नहीं है कि उसी के बाद में दोबारा रोल करके बोलूंगा कि यार अगली बार तो आ ही सकता, अगली बार तो आना आएगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैडम जी। लेकिन दोनों के अंदर कॉमन भी तो है, तो बी के आने के बाद ए तो आ ही सकता है ना। मैंने नहीं बनाया, मैं वही बोल रहा हूँ, वो नहीं, उसको नहीं काउंट करना है, सिर्फ फर्स्ट को ही काउंट करना है। कि अगर मैंने बोला कि बी ऑलरेडी आ चुका है तो जो आउटकम आएगा, अब मैं दूसरी बार नहीं चूज कर रहा हूं, मैं इसको मैं दूसरी बार नहीं चूज कर रहा हूं, मैं दो इवेंट्स को डिफाइन कर रहा हूं ना, ए और बी सेमी ट्रायल के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा पहली बार किया तो बी आया, दूसरी बार किया तो ए आया, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं सेम चीज के अंदर बोल रहा हूं कि भैया बी आया ही आया, इवन नंबर आया ही आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर टू आया था? जरूरी नहीं है यहाँ पे ए उसका सबसेट नहीं है जरूरी नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है वन आया? इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो उसका सबसेट ही है ना, तो उसी के होने के चांसेस देख रहे हैं ना हम एक्चुअली में, जो उसके अंदर है ही नहीं ए का पार्ट, उसके तो प्रोबेबिलिटी वैसे जीरो हो जाएगी क्योंकि हुआ ही ये है तो ये हो नहीं सकता, ठीक है? तो हमारे लिए ये एक नया सैंपल केस बन जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, उसको टोटल कार्डिनलिटी से ऊपर नीचे डिवाइड किया हमने, तो ये बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दैट इज हाउ वी गेट द फॉर्मुला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाली चीज नीचे, राइट? ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा? Probability of A intersection B, दोनों का intersection divided by probability of A, इस तरीके से आ जाएगा बात करें। तो एक condition के अंदर दूसरे event के होने की chances है, ये वो चीज़ होगी, right? ये लिख लो पहले ये, फिर ये, और इसको explain करना है तो Venn diagram के through ये सारा का सारा explain कर सकते हैं जल्दी। सर आपस द ओ एनुअल फॉर्मूला लगा दिया ऑनलाइन, एक सेकंड नोट कीजिएगा, एक सेकंड। अगर उसका बी है यार, तो उसके बी के अंदर ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। हां जी ना बोलो सर, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी था सीधा आप नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स बी कर सकते हो ना? क्या क्या दोबारा बोल, मैं समझ नहीं, आवाज कम आ रही है। सर आपा जिमे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुसी काटता जिमे p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ d, हां जी एंड दी था आपा जेड़ा उत्ते जेड़ा तुसी n वाले लिखे और यूज कर लिए था नहीं, एक्चुअली च एनु प्रोबेबिलिटी आपा पहले कन्वर्ट कीता ना, क्योंकि आपा इंडिविजुअल चीज प्रोबेबिलिटी दे अकॉर्डिंगली चल रहे है ना, ताकि ओनु काउंट करेंगे पहला, बट आंसर तो आ ही जाएगा ना दोनों, तो हां आंसर तो ऑब्वियसली आएगा, बट ऐसी चीज को कभी यूज नहीं करना क्योंकि ऐसा रास्ता ऐसे तक पहुंचेगा, ठीक है? पर बुक्स जेडी चीज डिफाइन कर दिया ने, वो ऐसी चीज डिफाइन कर दिया है नहीं, क्या होता डेरिवेशन है, एन वाला वर्ड्स ना यूज करिए, मैं वही कह रहा हूं चीज ना यूज करो, पहली गल तो तुम्हें एन से रिलेटेड किसी को चीज दिखती नहीं होगी, तुम जो भी चीज दिखती होगी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड दिखती होगी, तो तुम इन्हें ऑब्वियसली यूज कर ही नहीं पाओगे, बट ये होया भी तभी ना करना, तभी प्रोबेबिलिटी से थ्रू ही करना, क्योंकि बोर्ड डायरेक्टली ऐसी चीज डिफाइन करता है, ठीक? प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली आया ना, इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए तो पूरे के पूरे सैंपल्स को ऐसे डिवाइड करेंगे ना जिसका वो हिस्सा है, हाँ जी। क्वेश्चन लिखो जरा, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, भाई लिख ले पहले जो बोल रहा हूं लिख ले, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी
और भाई पी ऑफ ए गिवन भी लिखना है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी बोल, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिखना है, फाइंड पी ऑफ ए स्लैश बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इन ईच ऑफ द केसेस, प्रॉपर लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फर्स्ट केस A is head on third toss. B is head on first two tosses. Yes, first के अंदर ही दो चीज आएंगे ना, A और B दोनों को defend करेगा ना वो, तो first के अंदर ही उसने A को defend किया head on third toss and B को क्या defend किया head on first two tosses. Head on first two tosses. Second case, A is at least two heads. A is at least two heads. B is at most two heads. At most two heads. Third case, A is at most two tails. At most two tails. A is at most two tails. B is at least one tail. ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा. सर सेकंड पार्ट रीड कर दो. सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है? A is at least two heads. B is at most two heads. अब देखो, first वाला जो केस है, right? उसके अंदर A को क्या बोल रहा है? वो क्या है? अब toss one, toss two, toss three, right? Eight cases आएंगे, right? Eight cases आएंगे. अब ये सोचो कि A केस को क्या बोला है? Head on third. अब इधर head आया है, तो इधर तो कुछ भी आ सकता है. हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? इधर हेड आने के चार केसेस. टोटल कितने केसेस है? टू इंटू टू इंटू टू. टोटल कितने केसेस हो गए? एट. ऐसे ही टेल के भी इधर केसेस आ जाएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो ये एट केसेस होगा. क्लियर हुआ? पक्का एट केसेस समझ में आ रहे हैं? तो ये एट केसेस में से इधर हेड आया, राइट right? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? उसकी केसेस क्या हो जाएंगे? ये वाले एट केसेस हो जाएंगे, ये वाले फोर केसेस हो जाएंगे. ये समझे? राइट right? ओके okay. अच्छा, अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो सबसे पहले देखो, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकालना ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, उनको ऑब्जर्व करेंगे. बी निकालना, उसको ऑब्जर्व करेंगे. बी क्या है? हेड ऑन फर्स्ट. तो पहले देखो, हेड ऑन फर्स्ट टू केसेस वाले कौन से? एक दो, मतलब ये वाला केस है एंड एक ये वाला केस है. ये समझे? हेड ऑन फर्स्ट टू केसेस, मतलब ये दो केसेस मिलके मेरे को क्या बनाएगा? बी. तो बी के होने के चांसेस, बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? टू बाय एट. तो डिनोमिनेटर में टू बाय एट आया. अब ए इंटरसेक्शन बी, अब ए क्या था? ये पहले चार केसेस. बी क्या है? ये दो केसेस. तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका? सिर्फ ये वाला केस. तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी? So, ये कट के 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या आ जाएगा? 1/2. ये समझ में आया कैसे निकालना है? श्योर? अगले दो पार्ट जल्दी. हाँ जी, सेकंड पार्ट के अंदर ए क्या है? कम से कम दो है, राइट? कम से कम दो है. उसके क्या क्या केसेस आएंगे? एक दो तीन, क्योंकि इसके अंदर तीनों हेड है, इसके अंदर हेड टेल हेड है, तो दो हेड आ गए. कम से कम दो होने चाहिए. तो हेड टेल सॉरी टेल हेड हेड दो आ गए, तो ये तीन केसेस आ गए. अब इसके अंदर ये वाला केस, तो दो है, तो टोटल चार केसेस आएंगे एक अंदर. ठीक है, कौन से? हेड हेड हेड
बी के अंदर क्या है, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, यानी कि या तो जीरो या तो वन या तो टू। अब ज्यादा से ज्यादा दो हेड का मतलब भाई तीनों हेड वाले छोड़ दो, बाकी सारे के सारे, तो ये वाला केस छोड़ दो, बाकी ये सारे के सारे केस आएंगे जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दो हेड होंगे, या तो दो होंगे या तो एक होगा या तो जीरो, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं वाला कौन सा केस है, टेल 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 वाला, ये समझे राइट। अब कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इसको छोड़ दो, बाकी ये तीन केसेस जो है ये कॉमन आ गए हमारे, एक दो तीन राइट। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी इस केस में, 3/8 डिवाइडेड बाय बी का, बी का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो वाले, ज्यादा से ज्यादा दो वाले में ए, ये वाला छोड़ के बाकी सारे के सारे हैं, वो कितने आ गए, 7, तो 7/8 कटा, तो 3/7 दैट इज आंसर, ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। यस, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे ना, केसेस नहीं कर रहे, मैं वही बोला, ये नहीं कर रहे हम, ये कर रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी है। चले थर्ड पार्ट के अंदर ए क्या है, तो एटमोस्ट टू हेड, तो ए के अंदर कौन से कौन से केसेस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा दो हेड, सॉरी एटमोस्ट टू टेल राइट, तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो तीनों टेल वाला केस हटा दो, बाकी सारे के सारे, तो ये सारे के सारे केसेस आ गए, एटमोस्ट टू टेल, या तो जीरो टेल या तो वन टेल या तो टू टेल। अब बी क्या है इसके अंदर, कम से कम एक टेल, अब कम से कम एक टेल का मतलब एक या दो या तीन, बेसिकली जो जीरो टेल वाला केस है वो हटा दो, ये करोगे, यानी कि अब इस बार ये वाला केस हट जाएगा, जीरो हेड वाला केस, तो ये आ जाएगा, तो कॉमन पार्ट में ये छह केसेस आ गए, तो 6 आ जाएगा इंटरसेक्शन, और 7 आ जाएगा बी वाले का, तो कट के 6/7 इज द आंसर, ये क्लियर है, श्योर, हाँ क्लियर है, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। A couple has two children. Find the probability that find the probability that first case both are boys if it is known that older is a boy if it is known that older is a boy second बिल्कुल सही, सेंस निकालो। सेकंड केस, बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, at least one of them is a boy. वो देखो आपको, चलो प्लीज, तो चार केसेस आ गए, यंगर एंड एल्डर, इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, ए इज बोथ आर बॉयज, ये वाला केस, एंड बी इज इवन बी इज
ओल्डर वन इज अ बॉय, ओल्डर वन इज बॉय मतलब ये दो केसेस आ गए राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही केस आ रहा है तो वो आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी में दो केसेस आ रहे हैं तो 2/4, तो क्या आंसर आ गया 1/4। सेकंड केस के अंदर ए क्या है हमारा, बोथ आर बॉयज, वो तो यही रहेगा बोथ आर बॉयज एंड बी इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, तो आ जाएगा ये तीन के तीन केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, इंटरसेक्शन वन ही है तो 1/4 डिवाइडेड बाय बी के थ्री केसेस तो 3/4, तो ये कट के आ गया 1/3। ये प्रॉपर लिखना है ऐसे, डायरेक्टली 1/3 1/2 नहीं लिखना है, ये प्रॉपरली लिखना, मतलब हमें वही P of A intersection B और P of B दोनों निकाल के उनकी वैल्यू पुट करनी है, क्लियर है? हाँ बना दो, छोटा एक्सपेरिमेंट है बना दो, 1/4 नहीं है सॉरी इंटरसेक्शन 1 है ना, ये वाला एक ही केस है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी तो टोटल सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली लेके जाओगे ना। चले चलो प्लीज, ये किसी ने टिंग किया, क्या टिंग, हाँ बिल्कुल टिंग रिकॉर्ड हो रहा है। अगला लिखो जरा, if probability of A is 6/11, probability of B is 5/11, probability of A union B is 7/11, so find pehla probability of A intersection B, second probability of A given B, third probability of B given A, ye given hai ye find karna, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 7/11, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस जो निकालना है उसको इधर ले आओ, दैट वुड बी इक्वल टू 6 + 5 - 7/11, तो क्या आ जाएगा 4/11, ठीक है? तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 4/11 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ रहा है 5/11, तो ये कटा तो 4/5, ठीक है? एंड थर्ड क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी गिवन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी तो सेम रहेगा 4/11 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या 6/11, तो 6/11 करके क्या आ गया 2/3, डन, क्लियर है? आगे लिखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, करें डन, देखो जरा प्लीज,
तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। देखने में बड़ा इजी लगता है बट इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसी चीज का इंटरप्रिटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब किसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, ए एंड बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन। अब इसका एग्जैक्ट यूज एंड एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन सुन, मान लो हमारे पास कार्स है, प्लेइंग कार्स है, ठीक है, हमने तीन कार्ड निकाले या दो कार्ड निकाले, चलो पहले तो क्या प्रोबेबिलिटी है पहली बार में किंग आएगा दूसरी बार में एस आएगा। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, हमने दो कार्ड निकाले, हमें पहली बार में क्या चाहिए किंग एंड दूसरी बार में क्या चाहिए, तो पहली बार में किंग एंड दूसरी बार में, मतलब यहां पे जो ए एंड बी है ऑब्वियसली दोनों साथ में नहीं हो रहे, सीक्वेंस में हो रहे, बट होने दोनों यहाँ पे, इंटरसेक्शन का मतलब समझो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ऑब्वियसली एक ही चीज के अंदर दोनों नहीं होने की बात हो रही, एक के बाद एक बट होंगे दोनों इसकी बात हो रही, राइट, एक ही चीज के अंदर एक के बाद एक बट होंगे दोनों इसकी बात हो रही। अब ये खुद सोचो, पहले ए होगा एंड दूसरी बार क्या होगा बी, अब उसके चांसेस क्या होंगे, ठीक है, अब पहले ए के होने के चांसेस आ गए क्योंकि पहली बार क्या हुआ है ए हो गया, अब बी के होने के चांसेस निकाल रहे हैं, तो जब बी के होने के चांसेस निकाले तो हम साथ में लेके गए कि ए ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया डन, अब किसके होने के चांसेस निकालने हैं बी के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट ए ऑलरेडी हो चुका है तो गिवन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये समझे, ऐसे सोचो। इसी को समझते हुए इसको मैं तीन पे भी एक्सटेंड कर सकता हूं, तो प्रोबेबिलिटी पहली बार ए हुआ एंड दूसरी बार मतलब पहली बार ए वन हुआ दूसरी बार ए टू हुआ एंड तीसरी बार ए थ्री हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन हो गया प्रोबेबिलिटी ए वन राइट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू गिवन दैट ए वन हो चुका है। अब इस स्टेप के बाद ए वन ए टू दोनों हो चुके हैं, अब किसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है थ्री, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री गिवन दैट ए वन इंटरसेक्शन ए टू, मतलब ए वन एंड ए टू हो चुके हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ए थ्री के होने की। सिमिलरली इसको हम चार के लिए पांच के लिए छह के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ये समझे, ये आ गया समझ के करने वाला पार्ट, लेकिन अगर इन दोनों को प्रूव ही करना है कि ये दोनों बराबर हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना इसको पकड़ा, क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू, अच्छा अब ए टू गिवन ए वन क्या होगा, लगा दो बेस अपने सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए वन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज ए वन इंटरसेक्शन ए टू। अब देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो बचा क्या तीनों का इंटरसेक्शन, हाँ है ना, वही तो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो तो कर ही सकते हो, बट ये चीज हमारे लिए मेन चीज नहीं है, हमारे लिए मेन चीज है इसको समझना, जिससे मैं देखो अगर किया क्या हमने दो को समझा तीन पे अपने आप एक्सटेंड हो गए, तीन को समझोगे चार पे अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए सारा का सारा एक्सटेंड हो जाएगा, एन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, बट समझने का दोबारा समझो, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये नहीं कि ए एंड बी दोनों के दोनों साथ में हो रहे, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट में हो रहे दोनों, बट ऑब्वियसली पहले ए हो रहा है बाद में बी हो रहा है। अब इसी चीज के अंदर मैं ये भी बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, मतलब अब मैं अज्यूम करके जा रहा हूँ पहले बी हो रहा है राइट, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, अच्छा इसको ओपन कर लो, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा,
ये लग नहीं आएगा, बट हाँ इसके अंदर पहले क्या हो रहा है, इसके अंदर पहले क्या हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट में देखो जरा वो क्या बोल रहा है, राइट। एक ट्रायल के अंदर वो कितने चीजों के होने की चांसेस देख रहा है, पहली बार में क्या होने का पूछ रहा, दूसरी बार में क्या, तीसरी में क्या, चौथी में क्या, इस तरीके से उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एक्चुअली में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी का रिवर्स है, उसी को नीचे वाली चीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, दैट्स इट, इसका नाम ही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, राइट। लेकिन आया कहां से, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया, और उसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हम एक्सटेंड करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये एंड इसी का तीन वाला एक्सटेंशन, राइट, प्रूफ चाहे रहने देना, ये तो समझ आएगी है, राइट। ये करने के बाद मैं एग्जांपल देता हूं, पहले ही लिखो जल्दी जल्दी। फॉर्मूला कैसे होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, आई एम अज्यूमिंग टू टोकर देम इन द सेम ऑर्डर। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए हो गया, सॉरी अब बी के होने के चांसेस ना, गिवन ए हो चुका है, अब ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, तो सी के होने के गिवन दैट ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, अब डी के होने के चांसेस गिवन दैट ए एंड बी एंड सी तीनों हो चुके हैं, ठीक है, करो नोट करो। इस चीज की खुशी थी, अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स, एक बोरी में 10 सफेद और 15 काली बॉल है, 15 काली बॉल है, अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट 15 ब्लैक बॉल्स, गेंदे टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब वन आफ्टर अनदर, उदाहरण विदाउट रिप्लेसमेंट, two balls are drawn in succession without replacement, what is the probability that first is white and second is black, दो बॉल निकाली, पहली दूसरी का बता दिया उसने भाई, पहली वाइट दूसरी ब्लैक होनी चाहिए, क्या बिल्कुल बन रही है, तो टोटल 25 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली वाली क्यों नहीं चाहिए व्हाइट एंड दूसरी वाली क्यों नहीं चाहिए ब्लैक, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पहली बार व्हाइट इनटू प्रोबेबिलिटी दूसरी बार ब्लैक गिवन दैट पहली बार व्हाइट आ चुकी है। अब देखो पहली बार व्हाइट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, व्हाइट बॉल्स कितनी है 10, तो 10/25। अब जब ये चीज हो चुकी है, अब देखो पहले क्या था व्हाइट एंड ब्लैक, तो व्हाइट कितनी थी 10, ब्लैक कितनी थी 15, अब जब एक बॉल निकल गई पहली व्हाइट निकल गई तो हमारे पास अब कॉन्फिगरेशन क्या बची, व्हाइट कितनी है 9 एंड ब्लैक कितनी है 15, अब ये कॉन्फिगरेशन बची, अब इस कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंगली मैं जब मैं बॉल निकाल लूंगा यस वो दूसरी बॉल होगी, तो इसका मतलब पहली निकल गई ना, तो ये चीज होना एक्चुअली में ये कॉन्फिगरेशन चेंज करना सेम चीज, कैसे मेक श्योर किया हमने,
अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं इसके अंदर वो सोचते हैं कि यहाँ पे हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुला लगेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं है, समझो कैसे, क्योंकि गिवन बी वन गिवन फर्स्ट बॉल वाइट थी, जब हम दूसरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि गिवन दैट फर्स्ट बॉल क्या थी वाइट, तो भैया ऑलरेडी वाइट बॉल निकाल के ये जो बचा ये वही तो कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसमें से जो बॉल निकालेंगे उसकी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में क्या होगी कि सेकंड वाली बॉल जो है वो ब्लैक है, और गिवन दैट पहली वाली क्या निकली है वाइट, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, अब डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, तो 15/24 एक्चुअली में इसी की प्रोबेबिलिटी, इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है, समझो इसके अंदर कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है मतलब इसका, ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को और ये वाले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंफ्यूज मत करना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर हम इस चीज की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट नहीं निकाली जा सकती, क्वेश्चन में कंडीशन ही ऐसे गिवन होती है या फिर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम उनको निकाल रहे हैं, तो पहली वाली बॉल वाइट निकल गई, तो निकलने के बाद कॉन्फिगरेशन बैक की चेंज हो गई, तो वो चेंज होने का मतलब ही क्या है कि भैया एक बॉल निकल चुकी है, अब जो दूसरी निकाल रहे हैं उसके ब्लैक के होने के चांसेस क्या है, और पहली वाइट ही निकली उसी के अकॉर्डिंगली कॉन्फिगरेशन चेंज हुई है, दैट मेड श्योर कि पहली वाली वाइट थी तो दूसरी के होने के क्या चांसेस, समझ में आया पक्का श्योर, ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, यस सर, अब सोचो नहीं कर सकते, सोच लो फिर ये कंफ्यूजन होगी, अभी सोचो एक ही बॉल निकालनी है तो 10C1 कर ले, आएगा 10 नहीं, C1 से टोटल केसेस हो गए ना, अब तू क्या बोल रहा है, जो तू 25C1 बोल रहा है तू क्या बोल रहा है, तू तो पहले डिफाइन कर, मैं तो डिफाइन कर दिया वो टोटल केसेस, तू तो डिफाइन कर तू जो बोला वो क्या है, उसी के सेगमेंट बाद में निकाल लेना, क्वेश्चन लिखो, तू उल्टा रीड कर रहा, एनसीआर रीड करते हैं ना, रीड एनसीआर करते हैं ना, तो एनसीआर ऐसे रीड करते हैं, आरसीएल नहीं रीड करते ना, देख लिया मैंने, देख लिया सर।